भागीरथ जी ने तपस्या किया तो उसका नाम पड़ा भागीरथी। गांव है जिसमें करीब 100 लोग रहते हैं, 100 परिवार, 100 परिवार रहते हैं। आज है डे 3 यार, और तो आज डेट करीब है 5 मार्च। तो आज हम लोग हरसिल से और गंगोत्री के लिए जाएंगे। तो भाई मौसम ठीक ठाक है अभी तो, यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम है। और कल के ब्लॉग की थोड़ी एंडिंग नहीं हुई थी तो कोई नहीं, चलो इग्नोर कर देना उसे। भाई हरसिल से निकल चुके हैं हम लोग और गंगोत्री के लिए जा रहे हैं। 28 किलोमीटर है, देखो 1 घंटा 1.5 घंटा कितना लगता है। और ये पूरा का पूरा आर्मी बेस है, देख लो यहाँ पर रिपेयरिंग भी हो रही है इन गाड़ियों की। पता हरसिल में एंटर करने से पहले ये आपको आर्मी कैंप आएगा पूरा, और इसके पीछे हरसिल है पूरा। बड़ा प्यारा सा है यार गांव हरसिल, छोटा सा है, मस्त प्यारा कस्बा छोटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आएंगे, पर आएंगे अगस्त सितंबर के आसपास। तो थोड़ा उस टाइम क्या है, वैसे अभी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं यहाँ पे। तो उस टाइम मंदिर भी खुला रहेगा और काफ़ी टूरिस्ट भीड़ भड़ का रहेगा उस टाइम। तो ये रूट है भाई अपना पूरा, और रोड बहुत ही शानदार बनी हुई यार। एक बात तो कहनी पड़ेगी यार, हरसिल तक मतलब उत्तरकाशी से लेके और हरसिल तक तो रोड एक नंबर है, और मुझे लग रहा है कि आगे भी रोड अच्छी होगी। मतलब कहीं भी हमें ऐसा एक पैच भी नहीं मिला ख़राब कि कहीं ख़राब हो पैच। और देखो भाई क्या वादिया है यार, क्या वादिया है। कल डायरेक्ट भी हम लोग जा सकते थे क्योंकि हम लोग 4 बजे हरसिल पहुंच गए थे यहाँ पे। तो हरसिल से हम लोगों को 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में लगते, तो फिर 2 घंटे या 1 घंटा तो लगते कम से कम, और फिर वहाँ टाइम वाइम थोड़ा स्पेंड होता। तो इससे बेस्ट ये कि हम यहीं रुक गए और अब सुबह मॉर्निंग फ्रेश व्रेश हो गए फिर निकल रहे हैं अब ये। और फिर आज शाम को ही, मतलब आज शाम तक ही ट्राई करेंगे कि भाई दिल्ली के लिए निकल जाए आगे पहाड़ों में। पहाड़ों में आगे चला नहीं भाई, ये है व्यू यार, क्या व्यू है यार, देख लो एक बार। तो जस्ट लंका आने वाला है, लंका कोई जगह है यहाँ करके, और लंका का बस सीधा गंगोत्री। काफ़ी लंबा हो गया रास्ता, पर रोड एक नंबर, अभी कहनी पड़ी रोड एक नंबर है यार, रोड की तो गारंटी है पूरी। देख लो इतनी हाइट पे आके भी रोड भाई मस्त, और क्या व्यूज़ है यार, क्या व्यूज़ है। देखो जैसे बाइक निकल रही बीच में तो क्या एकदम अलग ही लुक आ रहा है, अलग ही लुक। बैराघाट 2 किलोमीटर शायद, बैराघाट क्या है, विशाल भंडारा सब बंद अभी। गंगोत्री 10 किलोमीटर और गोमुख 28, भैरवघाटी 2 किलोमीटर है भाई भैरवघाटी। पहाड़ दिख रहे सामने से, 1 2 3 पहाड़ों फुल बर्फ जम रही है, फुल बर्फ। ठंड महसूस हो रही है, ग्लव्स निकालने पड़ेंगे दूसरे वाले विंटर वाले। मात्र 3 किलोमीटर और रह गए यहाँ से गंगोत्री, और फाइनली हम लोग गंगोत्री पहुँच ही जाएंगे। तो भाई गंगोत्री में एंटर कर गए हम लोग फाइनली, और 2 दिन बाद, और ये है एंट्रेंस। अभी तक यहाँ पे वैसे गाड़ियाँ नहीं आती, यहाँ तक नहीं आती यहाँ भाई, यात्रा जाती है ना, सब कुछ
पीछे ही बंद रहता है। तो भाई ये द्वार है माता का, गंगा माता का। और देख लो भाई लोग, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आती। देख लो यहाँ पे हम लोग अपनी बाइक लेके आ गए, क्योंकि सीजन नहीं है। सीजन में तो भाई आती नहीं यहाँ पे। भाई यहाँ पूरे में बर्फ रहती है, देख जमी पूरे में बर्फ। भाई होटल तो यहाँ भी काफी है यार, खुले हुए हैं यार। एक आध तो खुला भाई होगा। यहाँ कह रहे थे कि भाई यहाँ पे होटल वोटल नहीं मिल देंगे इस टाइम पर, यहाँ कुछ कुछ। हाँ, गंगोत्री आ गए। पता नहीं, और किधर जाना है? मुख्य मंदिर। वाह भाई वाह, क्या कहोगे भाई, वाह भाई वाह। अरे वाह भाई वाह भाई गंगा। तो भाई ये है देख लो, यहाँ तक बाइक लेके आए, नहीं तो यहाँ पे बाइक आती नहीं है यहाँ तक। चलते अंदर। फाइनली यहाँ तक अपन बाइक लेके आ गए, और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा भाई यहाँ पे आने का। और यहाँ तक बाइक लेके आए हम लोग, यहाँ पे वैसे आती नहीं बाइक, यहाँ पे सब घोड़ों से आते हैं कैसे, या फिर भाई यहाँ तक तो शायद पैदल पैदल ही आते हैं यहाँ तक, क्योंकि 4-5 किलोमीटर पहले से चढ़ाई मतलब यात्रा स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पैदल पैदल पर आते, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है। और अभी सीजन वीजन में कोई है नहीं सीजन, तो यहाँ तक आपको मतलब गेट तक बाइक लेके आ सकते हो। तो चलो मिलते हैं अंदर। और देखो भाई कैसे कैसे व्यू है यार ऊपर के, देखो पहाड़ के, ये देखो यार, ये देखो। चलते हैं अंदर, चले भाई से मेन मंदिर गया। हाँ तो मेन मंदिर का तो बंद है अभी गेट वेट। ये है मेन मंदिर और यहाँ गेट बंद है अभी। और भाई ये देख लो, ये चारों तरफ का सीन, ये देख लो पहाड़ी भाई। अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। देखो यार ऐसा जो ना इस टाइम अपन आया ना, बहुत सही टाइम, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि तू अगर सीजन में आएगा तो यहाँ भयंकर भीड़ मिलेगी, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। सीजन टाइम में तो ज़्यादा एक्सप्लोर होनी पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ रहती है भयंकर वाली। है गंगावत्री गंगोत्री, ये उगम स्थान है गंगा जी का। यहीं पे बैठ करके नीचे राजा भगीरथ जी की तपस्या ली है। अच्छा, जहाँ पे उन्होंने 5,500 वर्ष तक तपस्या किया था। तो उगम स्थान ये गंगा जी का, ये जो गौमुख बोलते हैं हाँ। तो यहीं पे हुआ करता था। जैसा युग बदलता गया गंगा जी पीछे हट जाती। अच्छा, तो 18-20 किलोमीटर पीछे चले गए और यहाँ से गंगा जी का नाम पड़ा भागीरथी लेके आए थे। हाँ, इसीलिए भागीरथ जी ने तपस्या किया तो उसका नाम पड़ा भागीरथी। आगे जाते जाते यहाँ से 12 किलोमीटर आगे जांगला बोलते, जहाँ से गंगा जी दिखाई देती है। अच्छा, तो ये घाटी है, ये तो घाटी है, देखा कहीं गंगा जी नजर नहीं। हाँ, नहीं आ रही तपे होंगे तो वहाँ पे जंगम ऋषि तप कर रहे थे, तो उनकी कुटिया बह गई। तो उन्होंने देखा राजा भगीरथ जी ने, तो गंगा जी तो अलुप्त हो गई, कहाँ गई। फिर उनकी उनको उनकी स्तुति किए राजा भगीरथ, फिर उन्होंने जांग से निकाली, फिर नाम पड़ा उनका जांगला। तो कर्ण प्रयाग उधर होती, जहाँ जहाँ से गंगा जी गए उसे नाम पढ़ते गए, नाम पढ़ते हरिद्वार में जाते जाते गंगा वाले।
तो ये गोमुख है यहाँ 17 किलोमीटर पैदल पैदल रास्ता है, 18-19 किलोमीटर पैदल पैदल वहाँ का, कोई गाड़ी वाड़ी कोई नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ से सब जाना पड़ता है, नेशनल पार्क में है वैसा, पास बनाना पड़ता है आप लोगों को, जैसा कोई जाए गोमुख तो अपना खाना पीने का आजकल तो अपना ले जाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक गढ़वाल विकास निगम का बंगला है और लाल बाबा का आश्रम भी है। अच्छा जी, अच्छा, तब वहाँ मतलब रहने का कोई आपको खाने की कोई जरूरत नहीं है, रहने के लिए कहाँ, अभी लेके जाना पड़ेगा, अभी तो सारा लेके जाना पड़ेगा, वो भी पास बना कर, पास बना के ना। और ये दोनों तरफ है, इस तरफ चाइना की तरफ भैरव घाटी जाते हैं लोग, चाइना बॉर्डर कितने दूर होगा यहाँ से, वहाँ से 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर है चाइना बॉर्डर, नीलांग घाटी बोलते हैं ना, दो गांव थे वहाँ, जादुंग और नीलांग लड़ाई लगी थी तो दोनों गांव को उठा दिया था और अच्छा। उनको पीछे किया गया, तो तिब्बत अलग था, चाइना ने उसको कब्जा कर लिया था उसको, दलाई लामा भाग करके यहाँ आए थे, ये मतलब गंगा उतरी ये गंगोत्री है, इसीलिए यहाँ का नाम। तो भाई ऐसे कुछ खाने पीने की, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, देख लिया। तो गोमुख 17-18 किलोमीटर यहाँ से पर पैदल ट्रैकिंग, पर अभी इस टाइम बंद है तो अपना खुद का खाना वाना सब लेके जाना पड़ेगा आपको यहाँ से, और बाकी स्टोरी देख ली अच्छे से, बहुत ही अच्छा बताया पंडित जी ने। भाई व्यूज देख लो क्या एकदम लग रहा है, देखो भाई स्पीड देखो, ये कह लिए 50 रुपये की गंगा जल के लिए, और चार तरफ से देख लो व्यू, बिल्कुल गंगा के गड्ढे में आ गए एकदम, पानी भाई ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है निकल रहा है, मज़ा ही मज़ा है भाई मज़ा। हाँ भाई अभी आ गया मज़ा खाने बल्ले भाई, जल्दी से गंगा जल। तो भाई गंगा जी के दर्शन कर लिए गंगा गंगोत्री में आके, और बढ़िया अपने पानी वाने ले लिया गंगा जल, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर के लिए। देखिए आज कहाँ तक हमारी जर्नी होती है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ट्राई करेंगे दिल्ली तक तो हिट कर जाए। तो भाई मैं आ चुका हूँ धरासू, करीब करीब 124 किलोमीटर आ चुका हूँ गंगोत्री से। तो गंगोत्री में एक्चुअल गया, बारिश होने लगी थी तो हम लोगों को निकलना पड़ा वहाँ से, और उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, और उसके बाद मैं करीब 124 किलोमीटर हम राइड करके आ गए। यहाँ से ऋषिकेश 140 किलोमीटर है, हरिद्वार 167, और जयपुर करीब करीब 600 कुछ किलोमीटर है यहाँ से। तो आज प्लान तो यही कंटिन्यू राइड करेंगे गंगोत्री से निकल के, बीच में रिकॉर्ड तो किया नहीं, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था पर वो ज़्यादा कोई इतना, क्योंकि बरसात आ गई थी बीच में। और अभी हम लोग जा रहे हैं मसूरी के लिए, तो मसूरी के बीच का भाई व्यू देखो कितना खतरनाक व्यू आ रहा है, बहुत ही शानदार व्यू है। आते वक्त इस रोड से नहीं आते हम, अब जाते वक्त इस रोड से जा रहे हैं, तो आज ट्राई करेंगे भाई जहाँ तक पहुँच सके पॉसिबल वहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं तो मसूरी में तो स्टे करेंगे, नहीं तो फिर आज देखते हैं। हम स्टे नहीं करेंगे गाइस, हम घर जाएंगे आज, हम घर जाएंगे। कहाँ जाएगा भाई? आज हम घर जाएंगे, आज की राइड डायरेक्ट दिल्ली की है, कोई डेस्टिनेशन इसके अलावा नहीं है। पर अपने 3 दिन कवर सही कर लिया अपन ने ना, गंगोत्री दिल्ली से गंगोत्री, गंगोत्री से हम ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर आ चुके हैं, और अराउंड 5 घंटे में, 5 घंटे से भी कम में, 4.5। भाई व्यू देखो यार, व्यू देखो यार क्या व्यू है एक्चुअल में, व्यू के ही मजे है सारे। तो भाई अभी बज रहे करीब करीब टाइम हो रहा होगा, देखो कितना रहा टाइम, 3:42 हो रहा है, और मैं दिल्ली पे भाई को छोड़ के और फिर भाई जयपुर के लिए निकल चुका हूँ। तो देखो कब तक पहुँचते हैं जयपुर। तो भाई फाइनली मैं जयपुर पहुँचने वाला हूँ अभी, और ये मेरे सापरा का टोल है, लास्ट टोल है, और यहाँ से करीब करीब 50 किलोमीटर और होगा, तो मुझे 1 घंटा लगेगा लास्ट जाता फाइनल। तो कल से मैं कंटिन्यू राइड कर रहा हूँ, मैंने हरसिल से राइड स्टार्ट कर दी करीब 10-11 बजे समथिंग, फिर वहाँ से मैं गंगोत्री का, और फिर गंगोत्री से फिर हरसिल, ये हरसिल होते हुए, और हरसिल से फिर अपन उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से फिर अपन देहरादून, देहरादून से और दिल्ली सादरा, और वे के बज रहे हैं 6। वो बस यही है कि एक इम्पोर्टेंट बात हो रही है, एक सब्जेक्ट है चाय, भाई चाय बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाय के ही दम पे मैं इतनी दूर राइड करके आया, मैंने जब भी वो नींद आई 1 या 2 कप चाय ली, और भाई मज़ा आया सही करो, चाय इम्पोर्टेंट है भाई, चाय पियो तो लंबी लंबी राइड हो जाएगी, तो अब से चाय इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अपना।